हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम रवि है। एडवांस पाइथन सीरीज के इस वीडियो में आज हम पाइथन में ऑब्जेक्ट कंपैरिजन के बारे में डिस्कशन करेंगे। हमको पता है कि पाइथन में जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, ऐसे जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं उनसे हम दो ऑब्जेक्ट को या दो ऑब्जेक्ट वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कंपेयर करते हैं, मान लीजिए दो वैल्यू, मान लीजिए टू लेस देन टेन, ठीक है। सेम मान लीजिए हम कंपेयर कर रहे हैं दो 12 इज इक्वल टू 10, ठीक है। अगर से आप प्रिंट करें, ठीक है, प्रिंट पाइथन, अगर मैं इसको रन करूं, ठीक है, देखना ट्रू मिल रहा है यहाँ पे आपको, क्योंकि 2 इज लेस देन 10 है एंड 12 इज नॉट इक्वल टू है 10 के, बट हमने यहाँ पे इक्वल टू रखा है इसलिए फॉल्स आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करते हैं, क्योंकि इंटीजर भी ऑब्जेक्ट ही है, तो ये भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। बट अगर आप ट्राई करें कंपेयर करने का, मान लीजिए 10 लेस देन कोई स्ट्रिंग, मान लीजिए एबीसी स्ट्रिंग है, ठीक है। अब देखते हैं हम यहाँ पे कि क्या आता है, इधर क्या कंपेयर होता है कि नहीं होता, ठीक है। देखो यहाँ पे इधर आया कि टाइप एरर लेस देन नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंसेस ऑफ इंटीजर एंड स्ट्रिंग, मतलब आप दो स्ट्रिंग और एक इंटीजर को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि कंपेरिजन के लिए इसमें ऑपरेटर, मतलब ये दोनों क्लासों में इनका ऐसा कोई क्लास नहीं, यहाँ पे हम दो डिफरेंट डेटा इस डेटा टाइप्स को कंपेयर कर सकें, तो इसलिए यहाँ पे कोई ऑपरेटर नहीं है इस तरह का। सेम अगर मैं यहाँ पे एक क्लास क्रिएट कर दूं, मान लो मैं यहाँ पे एक क्लास क्रिएट कर दे रहा हूँ, एक ऐसे क्लास क्रिएट कर देता हूँ, मान लीजिए माई क्लास, ठीक है, एक क्लास क्रिएट कर देता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। इस समय अभी कुछ नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसका दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो ऑब्जेक्ट वन एस वन इक्वल टू स्टूडेंट, सिमिलरली एस टू इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसको कंपेयर करूं कि प्रिंट एस टू एस वन इज लेस देन एस टू, यहाँ पे हम दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करें, ठीक है। यहाँ पे देखो हम जब एक सेम ऑब्जेक्ट को कंपेयर करते हैं इंटीजर में, मतलब बिल्ट इन के लिए जब हम यूज कर रहे थे, तो यहाँ पे हमें कोई इरर नहीं मिला था, हम यहाँ पे आराम से ट्रू फॉल्स आ रहा था, ठीक है। अगर मैं इसे रन करूं, देखना यहाँ पे इरर आएगा क्या, कि लेस देन इज नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंसेस ऑफ दिस दिस, क्योंकि हमने लेस देन के लिए यहाँ पे कंपेयर करने के लिए कोई इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड नहीं किया है फंक्शन में, ठीक है। उसके लिए अगर आपको अपने ऑब्जेक्ट को, अपने क्लास ऑब्जेक्ट को कंपेयरेबल बनाना है, तो आपको ये कंपेरिजन के लिए इतने भी मैजिक मेथड्स हैं या डंडर मेथड हैं, उन्हें आपको अपने क्लास में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। वो कौन कौन से हैं, इसमें देखो पांच मेथड हैं, पांच कंपेरिजन ऑपरेटर के लिए, लेस देन, ग्रेटर देन, यहाँ पे देखो लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड इक्वल टू, तो ये मेनली पांच जो इतने कंपेरिजन ऑपरेटर हैं, ठीक है, उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है। नॉट इक्वल टू भी आप कह सकते हैं वह है, बट हम यहाँ पे इतने को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको अपने ऑब्जेक्ट को कंपेरेबल बनाना है, मतलब आप अपने ऑब्जेक्ट को कंपेयर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा इन सारे फंक्शंस को, जो जितने आपके कंपेरिजन ऑपरेटर के लिए जितने भी मैजिक मेथड्स हैं, उसको आपके अपने क्लास में क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और यही मेथड जो है, ये कंपेरिजन मैजिक मेथड, ये आपको नेचुरल ऑर्डरिंग भी प्रोवाइड करते हैं। नेचुरल ऑर्डरिंग मतलब अगर आप अपने क्लास को सॉर्ट करते हैं, आपने लिस्ट को, मान लीजिए आपने इसने एक लिस्ट बनाया, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक लिस्ट बनाता हूँ, अरे नंबर्स का लिस्ट बनाता हूँ, 1, -1, 0, 9, 2, 10, ठीक है, बनाया। अगर मैं यहाँ पे सॉर्टेड सॉर्टिंग यूज करूँ, जो बिल्ट इन फंक्शन होता है सॉर्टेड, हम इसे यूज करूँ इसको सॉर्ट करने के लिए असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, तो देखते हैं कि ये वर्क करता है कि नहीं करता है। अगर मैं इसको सॉर्ट कर, इसको मैं एक मिनट के लिए हटाता हूँ, अभी मैं क्या करता हूँ, इसको एक लिस्ट को मैंने यहाँ पे बनाया है, उसको मैं सॉर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने कोई कस्टम सॉर्टिंग यहाँ पे नहीं दिया कि हमें किस बेसिस पे इसको सॉर्ट करना है, आपको घटते क्रम में करना है, बढ़ते क्रम में करना है, बट एक नेचुरल ऑर्डरिंग के लिए, इसे नेचुरल ऑर्डरिंग कहते हैं, मतलब अगर आप कोई कस्टम सॉर्टिंग के लिए कोई मेथड प्रोवाइड ना करें उसको, तो किस ऑर्डर में उसको मेंटेन करता है आपका जो लिस्ट है उसको, तो उसे कहते हैं नेचुरल ऑर्डरिंग, ठीक है।
तो अगर आप इसको देखें, देखो यहाँ पे इसको बढ़ते क्रम में इसने ऑर्डर कर दिया, सॉर्ट कर दिया चंडीगढ़ ऑर्डर में, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग डाल दूं, ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक एबीसी स्ट्रिंग डाल दूं, ठीक है, आप देखना कि ये क्या सॉर्ट होता है। देखो आपको एरर मिलेगा, लेस देन इक्वल, लेस देन ऑपरेटर नॉट सपोर्टेड। देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे सॉर्टिंग के लिए इसको रन किया है, बट यहाँ पे क्या आ रहा है, टाइप एरर लेस देन नॉट सपोर्टेड बिटवीन एसटीआर एंड इंटीजर, क्योंकि जो लेस देन या इक्वल टू जितने भी मतलब ये जो मेथड्स हैं इसमें, यही आपको नेचुरल ऑर्डरिंग भी प्रोवाइड करते हैं। जब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको सॉर्टिंग आता हो, तो सॉर्टिंग में क्या होता है, एक मिनट मैं सॉरी ओके, तो सॉर्टिंग में क्या होता है, अगर आप सिंपल सॉर्टिंग करते हैं, मान लीजिए आप बबल सॉर्ट जैसे फॉर एग्जांपल हो गया, तो क्या करते हैं उसमें कि हम दो वैल्यू को कंपेयर करते हैं, मतलब जो अगर करें हमें मान लीजिए करना है इसको असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, तो यहाँ पे दो वैल्यू को हम कंपेयर ही तो करते हैं कि ये अगर लेस देन फर्स्ट वैल्यू मान लो वन है और सेकंड वैल्यू क्या है माइनस वन है, अगर ये लेस देन मतलब अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो पहला वाला छोटा होना चाहिए दूसरे वाले से, मतलब जो माइनस वन है वन से पहले आना चाहिए, मतलब वन शुड बी मतलब जो फर्स्ट नंबर है ए वो बी वाले से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए, मतलब तीन नंबर है तो सी वाले से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए, तो हम दो नंबर को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, ये तो कर रहे हैं, मतलब हम यहाँ पे कंपेरिजन ऑपरेटर ही यूज हो रहा है इंटरनली देखा जाए तो। अगर वो एक, मतलब लेस देन नहीं है फर्स्ट वाला तो क्या होता है स्वैप हो जाता है, मतलब इसको हम पहले लिख देंगे इसको बाद में कर देंगे, तो जो स्वैपिंग होती है वो कंपेरिजन से ही होती है। तो नेचुरल ऑर्डरिंग प्रोवाइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको जितने मैजिक मेथड्स हैं ये इनको आपको क्या करना पड़ेगा, आपने क्लास में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। मान लीजिए आप लेस देन को इंप्लीमेंट कर दीजिए, ठीक है, तो इस तरह से नेचुरल ऑर्डरिंग भी प्रोवाइड करते हैं जब आप उसमें कंपैरिजन मेथड को इंप्लीमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में यही सीखेंगे कि कैसे हम इनको इंप्लीमेंट करेंगे। अब देखो अभी मैं इसको हटाता हूं, मैंने जैसे जैसे यहाँ पे एक वेरिएबल डाला स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग को इंटीजर से कंपेयर करने के लिए कि लेस देन कब होगा इक्वल टू कब होगा कोई यहाँ पे फंक्शन इंप्लीमेंट नहीं किया गया, इसलिए यहाँ पे आपको एरर मिल रहा है, ये सॉर्ट नहीं कर रहा है। जैसे आप इसको हटाओगे तो ये क्या कर देगा, ये नेचुरल ऑर्डरिंग इसका जो है जिस जो इसके क्लास में इंप्लीमेंट किया गया है इसको, एक मिनट पाइथन, ठीक है सॉरी ये ओके, देखो ये नेचुरल ऑर्डरिंग में इसको सॉर्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको अपने मेथड को अपने 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 ऑब्जेक्ट को कंपेयरेबल बनाना, तो आपको ये मेथड को इंप्लीमेंट करना है, इतना आप याद रखिए। पांच मेथड जो दिए हुए हैं आप नॉट इक्वल टू भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बट इतना इनफ है आपको कंपेयरेबल बनाने के लिए, ठीक है। चलिए इसको मैं यहाँ पे हटाता हूँ, अगर यहाँ पे मैं एक चीज पास करता हूँ इक्वल टू, देखना अभी यहाँ पे क्योंकि मैंने इक्वल टू भी यहाँ पे अभी इंप्लीमेंट नहीं किया है, बट क्या होता है देखते हैं यहाँ पे, मैं अगर इक्वल टू करूँ एस वन इक्वल टू इक्वल, ठीक है एक मिनट इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। देखो यहाँ पे इक्वल टू का मैंने क्या किया, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा है, क्योंकि जो इक्वल टू फंक्शन है ये ऑब्जेक्ट क्लास में, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी क्लास होता है पाइथन में वो हमेशा क्या होता है ऑब्जेक्ट क्लास को इम्प्लिसिटली इनहेरिट करता है। अगर आप यहाँ पे इनहेरिट का नेट भी डालेंगे, मतलब ब्रैकेट के अंदर इसको नहीं भी डालेंगे, मतलब इनहेरिट नहीं करेंगे, फिर भी ये इंटरनली इनहेरिट होता है, मतलब जो ऑब्जेक्ट क्लास होता है, ठीक है। तो मतलब जो इक्वल टू मेथड है यहाँ से इसमें इंप्लीमेंट हो रहा है हमारे स्टूडेंट क्लास में। अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट के लिए एस वन का आप डी आई आर प्रिंट करो, मतलब जो इसके फंक्शन है डी आई आर कि कौन कौन से इसमें फंक्शन है एस वन, ठीक है, देखना उसमें इक्वल टू भी आएगा, देखो यहाँ पे इक्वल टू आ रहा है, ठीक है ना, ये देखो, क्योंकि ये सारे जो मेथड हैं ये कहाँ से आ रहे हैं, ये हमारे ऑब्जेक्ट से आ रहे हैं, हमें अगर इसके बिहेवियर को चेंज करना है तो ये नॉर्मली क्या होता है जो हम एस वन इक्वल टू एस टू करते हैं, ठीक है, एस वन इक्वल टू एस टू करते हैं तो ये यहाँ पे फॉल्स आएगा, क्योंकि एस वन नॉट इक्वल टू एस टू है, यहाँ पे देखा जाए तो हमने कुछ अभी दिया भी नहीं है, बट ये कंपेयर कैसे कर रहा है इन दोनों के मेमोरी लोकेशन को, ये कंपेयर करता है एक्चुअली इसकी आईडी को, जो इसकी आइडेंटिटी है जो उसके मेमोरी लोकेशन को
मतलब एड्रेस को अगर इसका आप आईडी करो, इसका आप आईडी प्रिंट करो, ठीक है, दोनों का आईडी प्रिंट करो। आईडी मतलब जो आपका आइडेंटिटी है इसका, जिस मेमोरी एड्रेस पे आया है S1, और सेम S2 का भी प्रिंट करते हैं हम, S2 का प्रिंट करो, देखना दोनों का इक्वल नहीं आएगा, ठीक है ना, देखना दोनों का अलग लगेगा, देखो दोनों का अलग अलग आ रहा है ना, क्योंकि तो जो ये मतलब जो इसका डिफॉल्ट होता है S1 = S2, ये ऑब्जेक्ट क्लास से आता है और वो इम्प्लीमेंट क्या करता है कि दोनों के मेमोरी एड्रेस को कंपेयर करता है, ठीक है। तो अगर दोनों का मेमोरी एड्रेस सेम होगा तभी वो इक्वल टू ट्रू आएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, दोनों के लिए मेमोरी एलोकेशन अलग अलग हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, नॉट इक्वल टू आ रहा है, ठीक है। आप क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसमें इसको एक क्लास बनाते हैं पहले, इसमें मैं यहाँ पे दो पैरामीटर, दो एट्रीब्यूट को देता हूँ, मान लीजिए इसके लिए मैं इनिट को डिफाइन करता हूँ, और मैंने सेल्फ डाला यहाँ पे। उसके बाद इसमें मान लीजिए हम यहाँ पे दो इसके एट्रीब्यूट लेते हैं, नेम और एज, ठीक है, इस बेसिस पे हम इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम, ठीक है, और सेल्फ डॉट एज इक्वल टू एज, ठीक है। आप क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको एक नेम बनाएंगे, मान लीजिए S1 = इसका नेम ए है और इसकी एज है 21, और S2 = क्या है, इसका नेम है बी और इसका एज है मान लीजिए 17, ठीक है। ये दो स्टूडेंट, मैंने दो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बना लिया अभी, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इसे कंपेयरेबल बनाना है। अभी मैं इसको अगर करूँ S1 < S2, तो हम किस बेसिस पे कंपेयर करेंगे इसको, वो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड नहीं है, अभी हमने कुछ इम्प्लीमेंट नहीं किया कि S1 S2 से छोटा कब होगा। मान लीजिए कि हम इसका क्लास भी अगर मान लीजिए यहाँ पे कि किस कक्षा में है, अभी मान लीजिए यहाँ पे एक और डाल देता हूँ क्लास, उसको मैं एक नाम देता हूँ किस स्टैंडर्ड में है STD, और इसको मैं देता हूँ सेल्फ डॉट STD, ठीक है, इक्वल टू STD, ठीक है। किस किस क्लास में, मान लीजिए अभी ये पहला वाला स्टूडेंट, मान लीजिए इसका एज थोड़ा कम करता हूँ 18, और ताकि लॉजिकल भी लगे 18, और ये मान लीजिए 12th में है और ये 17 में, मान लीजिए ये 10th में है, ठीक है। तो अगर आप इसको किस बेसिस पे कंपेयर करेंगे कि S1 S2 से छोटा है, ठीक है, या S1 S2 से बड़ा है, ठीक है, तो उसके लिए आप पहला कंपेरिजन इसके एज से कर सकते हैं, या उसके नेम से भी कर सकते हैं कि उसका नाम पहले आता है उसका नाम बाद में आता है, डिक्शनरी ऑर्डर में देखें तो। उसके क्लास से कंपेयर कर सकते हैं कि उसका क्लास जो पहला वाला है 12th में, तो थोड़ा आप मान सकते हैं कि बड़ा है, मतलब किस बेसिस पे तो कंपेयर कर रहे हैं। अभी हमने इसके लिए कोई इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे नहीं दिया है, तो अगर आप यहाँ पे इसको रन करेंगे तो अभी आपको क्या मिलेगा, एक एरर मिलेगा, क्योंकि हमने लेस देन नॉट सपोर्टेड इंस्टेंस फॉर दिस टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट क्लास, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नाउ वी विल इंप्लीमेंट दीज मेथड, मैजिक मेथड्स इन द स्टूडेंट क्लास। चलते हैं, हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं। पहले क्या करता हूं मैं, यहाँ पे इक्वल टू मान लीजिए, मैं यहाँ पे, या मान लीजिए लेस देन को मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, लेस देन को इंप्लीमेंट कर देता हूँ, उसको मैं इंप्लीमेंट कर दूंगा, लेस देन सेल्फ, दो ऑब्जेक्ट को हमें कंपेयर करना है, ठीक है। तो एक तो हमारा जो करंट ऑब्जेक्ट है सेल्फ वाला वो आ जाएगा, और एक मान लीजिए मैं एक अदर लेता हूँ दो, देखो हम दो कंपेयर करेंगे ना, हमेशा एक से कंपेरिजन क्या करेंगे। तो पहला वाला मान लीजिए स्टूडेंट S1 को हम S2 से कंपेयर कर रहे हैं, एक स्टूडेंट होगा जो करंट होगा S1 और दूसरा जो अदर हो, इसे हम कंपेयर कर रहे हैं, तो हमेशा दो चीजें होंगी तभी हम कंपेयर कर पाएंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको कंपेयर करेंगे, तो इसको मान लीजिए मैं कंपेयर कर रहा हूँ किसके बेसिस पे, मान लीजिए एज के बेसिस पे। तो क्या करेंगे हम, सेल्फ डॉट एज लेस देन सेल्फ डॉट अदर डॉट एज, दोनों को जब ये छोटा होगा पहले वाले का एज, तो हम इसे मानेंगे लेस देन। तो कंपेरिजन किस बेसिस पे हो रहा है, एज के बेसिस पे। सेम हम क्या कर लेंगे यहाँ पे, और भी जो हमारे मेथड्स हैं उसको भी इम्प्लीमेंट कर लेंगे, बस आपको केवल जो जो देना है उसे ही। यहाँ पे मैं जल्दी से इम्प्लीमेंट कर देता हूँ, लेस देन हो गया, लेस देन इक्वल टू को कर देता हूँ तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, लेस देन हो गया तो ग्रेटर देन को कर देंगे हम, ग्रेटर देन हो गया तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू करना है तो जी हो जाएगा, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, और इसे मैं क्या करता हूँ इक्वल टू, ठीक है, तो ग्रेट इक्वल टू, ठीक है। तो दोनों का एज बराबर होगा तभी हम क्या मानेंगे, सेम आप नॉट इक्वल टू भी कर सकते हो, NE नॉट इक्वल टू, दोनों का जब एज बराबर नहीं होगा तो
तो दोनों क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे। हमने इतना कर दिया सिंपल, हमने कुछ नहीं किया, ये पांच छह मेथड उठाए हैं और हमने इसको अपने क्लास में इंप्लीमेंट कर दिया सारे मैजिक मेथड्स को, ठीक है। अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, देखो जैसे मैंने किया s1 equal to s2, रन करेंगे हम, देखना अभी कोई एरर नहीं मिलेगा हमें, देखना आ गया ना फॉल्स, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं किस बेसिस पे, एज के बेसिस पे, और फर्स्ट वाले का एज क्या है 18 है, तो पहला वाला क्या है बड़ा है दूसरे वाले का, हम कंपेरिजन किस पे कर रहे हैं एज पे। आप चाहें तो इसके क्लास पे भी कंपेरिजन कर सकते हैं, मतलब स्टैंडर्ड पे भी या उसके नेम पे भी कंपेरिजन कर सकते हैं, या आपके क्लास में अगर कोई अदर पैरामीटर है, मान लीजिए कि और भी कोई पैरामीटर है मान लीजिए, तो उससे भी आप कंपेरिजन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने ऑब्जेक्ट को, अब यहाँ पे आप सारे जितने भी कंपेरिजन ऑपरेटर हैं आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मान लीजिए इक्वल टू भी डाल सकते हो यहाँ पे आप, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू नॉट इक्वल टू, ठीक है, और जो सिक्स है ग्रेटर देन इक्वल टू, हम छह के छह कंपेरिजन ऑपरेटर को यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिया है, और हमने ये अपने क्लास को क्या बना दिया है कंपेरेबल, ठीक है। S1 इज इनवैलिड कीवर्ड, ओके फिर देर, एक मिनट, ओके S1 इज इक्वल टू होगा यहाँ पे ना, ठीक है, सॉरी एक मिनट, अब हम क्या करेंगे रन करेंगे, ठीक है। देखो आ गया ना फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू कहाँ पे आ रहा है यहाँ पे, जहाँ पे S1 is greater than, क्योंकि S1 का एज क्या है S2 से बड़ा है, ठीक है। लास्ट में दोनों बराबर नहीं है, और ये तीसरा वाला भी ट्रू आ रहा है क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसमें इम्प्लीमेंट कर दिया है। अब अगर हम इसमें चाहें तो इसको हमने यहाँ पे ऑर्डरिंग भी प्रोवाइड कर दी है लेस देन या ग्रेटर देन को इम्प्लीमेंट करके, तो हम अगर एक लिस्ट बनाएं, स्टूडेंट्स का लिस्ट बनाता हूं मैं यहाँ पे, एक लिस्ट बनाता हूँ स्टूडेंट्स का लिस्ट बनाता हूँ, और यहाँ पे मैं मान लीजिए लिस्ट बनाता हूँ स्टूडेंट का, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक लिस्ट बना देता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, और मान लीजिए इसको मैं नाम दे देता हूँ सी, इसको नाम दे देता हूँ सी, इसको बी, इसको पी, इसको के, मैंने फिर रैंडम नाम दे दिया है। अब थोड़ा एज भी इसका चेंज कर देता हूँ, मान लीजिए इसका एज है 12, ये क्लास 7 में है, इसका एज है 10 या 15, ये क्लास 9th में है, इसका एज है 9, क्लास 4th में है, 5th में है, इसका एज है 16, क्लास 11th में है, इसका एज है 12, और एक क्लास 6 में, ठीक है। मैंने इसमें ऐसे स्टूडेंट का क्लास बना लिया, क्या है स्टूडेंट का, हमने एक लिस्ट बना लिया। अब चाहें तो हम इसमें सॉर्टिंग भी यूज कर सकते हैं, अब हम इसे सॉर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन, मतलब जो हमारे कंपेरिजन ऑपरेटर्स थे उनको हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया, मतलब एक नेचुरल ऑर्डरिंग हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है। तो दो स्टूडेंट को हम एज के बेसिस पे कंपेयर कर सकते हैं, हम अगर इसको सॉर्टेड चाहें तो हम सॉर्टिंग यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ, एक लिस्ट बनाता हूँ सॉर्टेड, इसे कंपेयर कर सकता हूँ मैं, ठीक है। अभी मैं इसे प्रिंट करूँ, यहाँ पे उसे प्रिंट के लिए हमने str इम्प्लीमेंट नहीं किया, इसलिए यहाँ पे देखो केवल मेमोरी एड्रेस प्रिंट हो रहा है ना, हम यहाँ क्या करते हैं यहाँ पे एक str मेथड भी इम्प्लीमेंट कर देता हूँ, ठीक है, def, जिसे हम प्रिंट भी कर सकें इसको, जब हम प्रिंट करें इसको, ठीक है, सेल्फ और रिटर्न f को एक स्टूडेंट, और मान लीजिए मैं इसका नेम को और कॉमा एज को कॉमा स्टूडेंट एसटीडी सेल्फ डॉट एसटीडी आएगा एक्चुअली एसटीडी। तो हमें अगर अपने क्लास में प्रिंट स्टेटमेंट से अपने वैल्यूज को प्रिंट करना है, किस फॉर्म में हम प्रिंट करना चाहते हैं अपने क्लास को ऑब्जेक्ट को,
तो उसके लिए आपको यहाँ पे एस टी आर मेथड को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब जैसे हम यहाँ पे प्रिंट करें तो अभी यहाँ पे क्या रियल मेमोरी ही आ रहा था ना, क्योंकि वो डिफॉल्ट होता है एस टी आर, ठीक है। अभी हम इसे प्रिंट करेंगे तो हम इसे क्या करेंगे, एक बार में इसे पहले मैं अभी मैं प्रिंट करूँ इसे, अगर फॉर स्टूडेंट इन स्टूडेंट, ठीक है। अभी मैं प्रिंट कर सकता हूँ ना इसको, ऑब्जेक्ट को प्रिंट स्टूडेंट स्टूडेंट, ठीक है ना, स्टूडेंट, ठीक है। अभी मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ बिना सॉर्टिंग के, अगर मैं एक बार प्रिंट करूँ ना तो देखना प्रिंट होगा, ये देखो सारे प्रिंट हो रहे हैं। मैं क्या करता हूँ इसको, इसलिए इसमें आप एक इंड इक्वल टू कॉमा दे देता, ठीक है। देखो सारे ऑब्जेक्ट हमारे, पहला स्टूडेंट हो गया, दूसरा स्टूडेंट हो गया, तीसरा स्टूडेंट हो गया, ऐसे हमारे स्टूडेंट प्रिंट हो रहे हैं, इनका ए नेम एज तीनों प्रिंट हो रहा है, राइट। यहाँ पे देखो अगर आप तो ये प्रिंट हो रहा है ना, थोड़ा आपको बड़ा करके दिखाता हूँ, ये तो यहाँ पे ये प्रिंट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी ये क्या है, सॉर्टेड नहीं है। अगर मैं इसे सॉर्ट करके प्रिंट करूँ, ठीक है, क्या करता हूँ मैं इसको सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट करता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, प्रिंट अनसॉर्टेड लिस्ट। अब क्या करता हूं मैं इसको सॉर्टेड कर देता हूँ, ठीक है ना, सॉर्ट कर देता हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पे लेस देन को इम्प्लीमेंट कर रखा है, तो ये सॉर्टेड हम आराम से कर सकते हैं, ठीक है, आफ्टर सॉर्टिंग, ठीक है ना, या सॉर्टेड लिस्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैं थोड़ा एक ब्रेक देता हूँ, ठीक है। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ, एक मिनट, देखो एक मिनट, क्लीन करके भी प्रिंट करता हूँ। देखो जो पहला अनसॉर्टेड था उसमें देखो सॉर्टेड नहीं है, लेकिन दूसरा देखो जो स्टूडेंट का लिस्ट है वो अब एज के बेसिस पे, देखो एज है ये 9, 12, 12, 15, 16, 18, तो एज के बेसिस पे अब क्या हो रहा है, सॉर्टिंग हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे लेस देन को या इक्वल ग्रेटर देन को इम्प्लीमेंट कर रखा है। अगर इसे हम कमेंट कर दूं यहाँ पे, देखना तब ये सॉर्टेड ही सॉर्ट नहीं कर पाएंगे हम इसको, अगर मैं इसे कमेंट कर दूं तब देखना, देखो सॉर्टेड नहीं आ रहा ना, लेस देन नॉट सपोर्टेड बिटवीन स्टूडेंट टू स्टूडेंट, मतलब कंपेयर करने के लिए दो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कोई फंक्शन ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए हमें अगर अपने क्लास में सॉर्टिंग को इम्प्लीमेंट करना है, नेचुरल ऑर्डरिंग को इम्प्लीमेंट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप यहाँ पे कस्टम, आप यहाँ पे कस्टम लैम्डा की सहायता से आप कस्टम फंक्शन पास कर सकते हैं, बट नेचुरल ऑर्डरिंग के लिए, मतलब आप यहाँ पे कोई कस्टम फंक्शन पास ना करें किस बेसिस पे सॉर्टिंग होगा, नेचुरल सॉर्टिंग के लिए इसको आपको यहाँ पे जितने भी कंपेरिजन के लिए मेथड्स हैं यहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। स्पेशली एक भी फंक्शन अगर आप लेस देन को इम्प्लीमेंट कर देंगे तो भी आपका वर्क करेगा, ठीक है। इस तरह से हमने सीखा कि कैसे हम अपने फंक्शन में कंपेरिजन ऑपरेटर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपने ऑब्जेक्ट्स को क्या कर सकते हैं, हम कंपेरेबल बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कंपेरिजन बहुत ही यूजफुल है कि आप किस बेसिस पे दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करते हैं वो आपके सॉर्टिंग में, कस्टम सॉर्टिंग आगे हम पढ़ेंगे तो उसमें भी हम यूज कर सकते हैं इसको, कंपेरिजन ऑपरेटर को, ठीक है। तो इसमें हमने सीखा कि हम कैसे मैजिक मेथड्स को अपने क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।